नमस्कार, अपने सब देख रहे हैं बागमती न्यूज। हम हती दिनेश सहनी आजाद गांधी, अभी हती रजुआ पुल के पास। और इलाका में ऐसा पुल है जे कहिया से सुन रहा हती कि जे अब बनते तब बनते, कई बरस भ गेल एकर निर्माण के लेल, जैसे यहाँ पर जैसे पाया सब लागल और ठप पड़ल है। एक बार लदौर गांव के अभिषेक कश्यप हमरा बुलाए कर लाइल रहलन, तहियो वीडियो बनैले रहली, लेकिन कोनो नेता कोनो अफसर जैसे आवाज के नहीं सुन रहल ह। ई बड़ा दुख के बात है। और हम आई वीडियो के बना रहल हती यही उद्देश्य से कि कहीं अगर वायरल भेल तो ई पुल जैसे बन जाए, ग्रामीण सबसे भी बात कर जाए। हम बता दी पुल है 57 दरभंगा मुजफ्फरपुर वाला रोड है, वैसे सतले है, बगल में गाँव है, पंचायत में भी पड़ी है और लदौर पंचायत में भी। और ये क्षेत्र लदौर गांव और सवाद गांव के बीच है। चलते था कि अब ग्रामीण सबसे पूछे थी पुल कैला नहीं बन रहा है। बता दी कि एक बेर पूर्व विधायक महेश्वर यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलखिन रहा था, इसके बारे में बात कलखिन रहा, जिना अखबार में पढ़ली रहा, लेकिन जमीन पर कोनो काम नहीं थे। चले थी ग्रामीण से बात करे थी। हाँ बजियो, या हमारे गांव में लदौर बस्तिक में यह पुल कई साल से बंद कर करके रुका हुआ है, काहे किस लिए रुका हुआ है? इससे अच्छा तो अराई का आदमी जो लड़ कर कर करके पुल बना लिया है। यहाँ देखिए, यहाँ लदौर निवासियों का पुल नहीं अभी तक बना। पता नहीं कितना जमाना से लोगों नाव पर चढ़ कर करके पार उतरता है, कोई साधन नहीं मिला। वो भी नाव नहीं है, वो ना नाव है के 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर घूम कर करके जाना पड़ता है रोड पर है। अगर बन जाता तो इस गांव का कुछ माने साधन तो हो जाता आम आदमियों का। पार्टी लोग वोट के लिए अरे वासियों ने लड़ कर करके पुल बनाया है। की नाम है अपने? अरुण झा। आप जो यह दृश्य देख रहे हैं यह माँ काली ट्रेडर्स का है। यहाँ पे जो है सो आपको बालू सीमेंट संबंधित मकान बनाने संबंधित सारे सामान जो है सो मिलते हैं। आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। भटगामा मोड़ पर यह है, NH 57 से सटा हुआ है यह क्षेत्र। यहाँ से आप मकान बनाने संबंधित कोई भी सामान ले सकते हैं, छड़ गिट्टी बालू जो भी हो आप ले सकते हैं यहाँ से। इसके प्रोप्राइटर शिव कुमार सिंह हैं, जिनका बिजली घर भी है बेनीबाद में, और आप संपर्क कर सकते हैं। ये समाजवादी चिंतक हतन, हमेशा महेश्वर जी के संगत में भी रहलन है और पूरा जनैये के उत्साह के हतन। आ इनका से जाना चाहे छी, इनका नाम दुखा सहनी भेल कि पुल कैला नहीं बन रहे, बताइए तो अपने। पुल तो ठेकेदार बनवाई तो है, अब चल गए की बात है ना है, सरकार पर ध्यान नहीं दी। सरकारे नहीं ध्यान दे रही है। ठीक, रजुआ पुल पहले भी बनने लगा, पाया सफल नहीं किया, इसके कारण ठप हो गया काम। अब नया से फिर उसका निर्माण जरूरी है, यह पुल होना परम जरूरी है। तो इसमें की दिक्कत बुझा रहा है आके? इसमें दिक्कत क्या बुझाई है, जे यहाँ के ठेकेदार जो आते हैं वह कारगर नहीं रहते हैं। इसमें ठेकेदार अच्छा होना चाहिए। हमारा नाम भिखारी। ये बताइए पुल कैला नहीं बन रहा है? पुल कैला नहीं बने है ये बात नहीं हम कह सकते हैं। अब घाटा लगल ठेकेदार के चाइना छोड़ दिल की भलै नहीं भलै सब जा से लादा का भाग गए बुझलिए। तो
आब अलग जाओ है आई चिकनाटा वाला वाला में देख मशीन से जांच कलक आई गाछी से पश्चिम दतें आब वहाँ जो पुल देखे तई में सटत से पुल तैयारी होते लेकिन कहाँ तैयारी है कहाँ हो यहाँ पर के नेता उता सब कुछ नहीं कहे नेता यार हैवे नहीं है सब बिना नेता के हो गई इलाका। हाँ इलाका बिना नेता के नेता रहते तेरा बाद अ ढंग के बात रहते है। चलो ठीक सरकार के राज में हैवे नहीं है पुल सरकार के राज में यदि रहते बन गए रहते नहीं एको ठमन कहीं पुल बाकी नहीं है कहीं नहीं लेकिन वही ठमन एहन गाँव है जैसे जैसे पुल बेगार दुनू गाँव नरक भर है। तो कतौ मकान भेल अहाँके सवास पुल के समय हुआ है। हाँ नहीं आप बोलिए ना पुल क्यों नहीं बन रहा है। पुल तो बन बन के कई बार यहाँ काम रुक जाता है। अब ठेकेदार ठीक नहीं मिलता है कि ग्रामीण क्या करता है वो पता नहीं। तो और नेता सब के नहीं कहा कि कितना नेता आया कितना गया कोई सुनाई सुनवाई नहीं हो रहा है यहाँ पर। खाली नापी हो गया पिलर गर गया वहाँ पिलर गया यहाँ गरा सब बरसा वहाँ उसका देखिए उसका भी सीन ले लीजिएगा कुछ होता नहीं है। जब ई पुल के चर्चा भेल तो हम एगो और चर्चा क देवे चाहे छी। भटगामा मधुरपट्टी घाट पर जब नाव दुर्घटना भेल रहे तो बहुत चर्चा भेल रहे कि पुल बनते इहो जे है से ठंडा बस्ता में चल गेल कहीं से कहीं कोई चर्चा नहीं हो रहा है कि पुल कहिया बनते कोनो आदमी जे है से के आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो जनता सबके मर्जी है जो उठैयो हम तो पिंटू सहनी के राष्ट्रपति पुरस्कार मिले अहू के आवाज़ उठा रहा छी। और जँ मधुरपट्टी भटगामा घाट पर पुल बन जाए तो इहो बढ़िया बात है। तो अपने सबसे आग्रह करै छी कि पुल के समर्थन में आवाज़ उठैयो एक दूसरे के जैसे मदद करियौ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियौ। अगर यूट्यूब पर देख रही है तो चैनल के सब्सक्राइब करूँ आ फेसबुक पर देख रही है तो पेज के फॉलो करूँ। जय हिंद।